हेलो दोस्तों, स्वागत है रूपी छोटी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो इधर देखिए दीदी क्या कर रही है। इधर बैगन का पुआ, बैगन का पुआ दिया हुआ था। इसको उखाड़ के दूसरा जगह लगाना पड़ता इसको है। इसको उखाड़ के दीदी अभी दूसरा जगह पे लगाएगी। जो हो गया ना घास निकाल रहे हैं अभी दीदी, इसका घास सब होता है जो जंगल सब साफ कर रही है अभी। तब उसके बाद इसको उखाड़ेंगे। तो दीदी इधर बड़ा बड़ा चुन चुन के उखाड़ रही है। इधर देखिए उखाड़ी हुई है। और दी इसका जंगल बड़ा वाला जो पौधा होता है ना, इसको हम निकाल लिए हैं। इसको निकाल के दूसरी जगह लगाएंगे। जंगल सब देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया, जंगल भी हो जाता है। इसको अच्छे से उखाड़ेंगे। तो इधर चुन चुन के दीदी उखाड़ रही है और थोड़ा सा उखाड़ेंगे। बड़ा बड़ा जो उखाड़ लेंगे ना, उखाड़ के बड़ा बड़ा लगाएंगे। फिर छोटा बचेगा तो छोटा, बाद में बढ़ेगा तो लगाएंगे। इतना हो चुका है, अब इतना ही हम जा रहे हैं बाड़ी में। अभी इसको रोपेंगे, अब छोड़ दो, अब बढ़ेगा तब लगाएंगे। इधर भी छोटा है, रहने देते हैं। चलो तभी चलते हैं बाड़ी में लगाने के लिए। हम बाड़ी में इसको रोपेंगे। तो इधर छोटी पानी भी ले लिया, इसको हम रोप के इसमें पानी भी देंगे तब लग जाएगा। इसका जड़ जो होता है ना पकड़ लेगा। तो हम लोग चलते हैं अभी लगाएंगे इसको। ये कितना सुंदर सुंदर हरा हरा एकदम फ्रेश है। इसका बैगन का जो होता है ना, पहले पुआ देना दिया जाता है, उसके बाद फिर बड़ा बड़ा हो गया है, इसको उखाड़ के फिर लगाया जाता है। छोटी औजार भी ले लिए, जो खुरपी होता है जो इसको लगाएंगे। तो इधर आ गए हैं बाड़े के पास। देखिए कितना फड़की सब टोटार दिया है। गाय माल सब आती है इधर, दूसरे कोई आता है चराने के लिए, तो इधर का फड़की सब जो होता है तोड़ दिया है। किधर लगाना है देखते हैं, जिधर खाली होगा और उधर हम लोग रोपेंगे इसको। तो हम लोग आ चुके हैं। तो दीदी इधर ले चुकी है औजार से। तो दीदी अभी जंगलों से कितना बाहर जाता है एकदम जल्दी जल्दी। तो दीदी अभी इसी में हम लोग लगाएंगे। तो दीदी खुरपी लेके अभी गड्ढा करेगी, तब जाके रोपेंगे। एक लाइन से करो। हाँ यही लाइन से सीधा कर लेंगे, इसी जगह से स्टार्टिंग करते हैं। एक थल्ला में दो दो करके देंगे, एक एक करके पतला मतलब हो जाता है, लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसे हम दोनों जड़ को सटा दिए हैं, ऐसे लगाएंगे। इधर हम दो दो करके निकाल रहे हैं, निकाल निकाल के रख देते हैं। लगा के ऐसे थोड़ा जड़ को दाब देते हैं ताकि जड़ पकड़ लेगा, मिट्टी में लग जाएगा। बाद में हल्का हल्का पानी डाल देंगे। तो दीदी लगा दिए इधर, कितना मस्त लग रहा है। एक भी इस जगह दे देते हैं ठीक। उसका फिर हम ही हमारा दोनों जंगल ना, देखिए जंगल डिस्टर्ब करता है, जंगल हो जाता है, क्या करेगी। पानी मिलता है तो जंगल अपने आप ही भरना स्टार्टिंग हो जाता है। दीदी उधर भी गड्ढा कर रही है पहले, तो हम इधर लेते आओ दो बो जा दो दो गो करके हम पहुंचाते हैं गड्ढा में। तो हम लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ काम हो ही जाता है, काम करके जाते हैं। करेंगे नहीं तो कौन करेगा, हम ही लोग को करना पड़ता है। तो दीदी इधर लगा दी है, अभी उधर भी गड्ढा करेगी और एक उधर कर देना। उधर देंगे हाँ कर देंगे। तो दीदी इधर लगा दी है, ऐसे ही करके अभी सारा लगाएंगे जो भी लाए हैं। दो बार इधर ला के रखे हुए हैं। तो हम इधर पानी ला लिए हैं, अभी पानी में डालेंगे।
ताकि ये जल्दी लग जाए, अंदर जड़ जल्दी पकड़ लेगा। पानी डालेंगे तो सारा में हम पानी डाल लेते हैं। तो इधर दीदी लगा दिए, तो देखिए कैसे लगाया जाता है बैंगन का पौधा। जो जो गांव से होंगे वो लोग को पता होंगे कैसे लगाया जाता है। हम लोग गांव से हैं, हम लोग को पता है, और सभी गांव से होंगे तो उन लोग को भी पता होंगे ऐसे ही लगाया जाता है। पौधा का सेवा करना पड़ता है तब जाके फल आना स्टार्टिंग होता है। तो दीदी इस जगह लगा दी है, तो अभी ये वो बचा हुआ है इस जगह देंगे ना। हाँ डाल दो इस जगह, जंगल इतना हो जाता है पानी का बात नहीं। अभी हम पानी डाल रहे हैं, डाल दिए पानी भी खत्म, पौधा भी खत्म हो गया लगाया हुआ। तो देखिए कितना मस्त लग रहा है लगाया हुआ। भिंडी का पौधा उधर बड़ा बड़ा हो चुका है, बारिश पड़ा है ना तो और भी मतलब कि गाछ हरा भरा हो गया, बड़ा हो गया होगा। आ गया हो सब्जी, दो इसमें पानी डाल दो सारा। तो दीदी सारा समय खत्म हो चुका है, नहला रही है पौधा को दीदी नहला रही है। नहीं हाथ में जो मिट्टी लगा है ना पानी है तो उसी से धो लेते हैं, अगर को रख देते हैं बाल्टी में। तो हम लोग का लगाया हुआ हो चुका है, तो देखिए हम लोग का लगाया हुआ हो चुका है, रोपा हुआ हो गया है। तभी हम लोग रोप दिए हैं बैगन का पौधा को, अभी चलते हैं उधर आते हैं। तो आम का गाछ को दीदी देखना है, दीदी को देखना है, तो दीदी को देखिए कैसा ये तो कुछ कितना बड़ा आम हो गया, देखिए कितना बड़ा आम हो गया है। तो दीदी इधर देख रही है हाथ में लेके, देखे ज्यादा तो आम नहीं आया है, बस 5-6 गो आम आया है इवला पेड़ में, तो एगो नजदीक में है हाथ के, हाथ के पास। तो देखिए कितना मस्त लग रहा है, और एक यहाँ है, यहाँ हाँ यहाँ है, छोटा है ये, छोटा है और इधर भी ऊपर में है। आ जाए इधर, गिराना है इतना बारिश पड़ने के बाद भी नहीं गिरा है। तो हम लोग हम दीदी देख रही है, देख रहे हैं कहीं गिरा तो ना है ना, आंधी तूफान में होता है ना गिर जाता है, नहीं गिरा है। तो हम लोग चलते हैं अब, चलो तो बाल्टी भी ले लिए हैं। तो इधर देखिए जंगल सब दीदी साफ कर लिए, हवा से आ जाता है तूफान से। तो देखिए भिंडी का पौधा सब, ये देखिए भिंडी तोड़ने लायक हो चुका है, एक गाछ में एक भिंडी अभी है, एक भिंडी है तोड़ने लायक हो चुका है, इसको हम अभी तोड़ेंगे। देखिए कितना सब्जी आना स्टार्टिंग हो चुका है। लो बाल्टी में रखो, तो हम बाल्टी में रख दिए हैं। इतना जंगल होता है ना कहने का बात ही नहीं है, हमेशा जंगल को निकालते रहते हैं। एक वहाँ है, एक यहाँ भी है, तो एक दीदी को उधर भी दिखा। लो बाल्टी में, हमको जंगल भी साफ कर देते हैं, और भिंडी भी दिख रहा है तो हम तोड़ लेते हैं भिंडी। तो इधर से भी दीदी तोड़ रही है, आलू के साथ में मिला के भुजिया के लिए निकल जाएगा भुजिया, नहीं तोड़ेंगे तो फिर पोखत हो जाएगा ना। एक एक आया जाता है तो तोड़ना पड़ता है ना, भिंडी को ढूंढ ढूंढ के तोड़ रहा है अभी। तो उधर से दीदी तोड़ के आ रही है, हुआ चला हुआ। चलो
तभी तोड़ लिए हैं भिंडी तोड़ते हुए। चल तो इधर भी है आगे की साइड, तो अभी चलते हैं देखते हैं आया है भिंडी तो तोड़ेंगे। तो देखिए इधर दीदी बैठ के कह रही है हमको भिंडी मिल रहा है तो तोड़ रहे हैं एक एक करके। तभी आए बाड़ी तो दिखा तो तोड़ने लगे, सब्जी भी हो चुका, सब्जी भी निकल गया। अभी ढूंढ ढूंढ कर तोड़ रहे हैं। तो गाछ सब दिखे बारिश की वजह से कितना मस्त लग रहा है, पानी जो फूल गया एकदम हरा भरा। तो इधर भी देखिए निकल रहा है भिंडी सब, इधर फूल है, इधर छोटा छोटा भिंडी है निकल रहा है अभी, यहाँ पे यहाँ भी निकल रहा है। वो बड़ा होगा तब उसको तोड़, अभी छोटा छोटा है तो बड़ा वाला जो होगा तो दीदी अभी निकाल रही है। ऐसे ही पहले फर्स्ट बार में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टूटेगा, इसके बाद बहुत ज्यादा टूटने लगेगा, बहुत ज्यादा आएगा बड़ा। तो हम लोग बाड़ी में घूम घूम के तोड़ लिए हैं पूरा भिंडी सब, हो चुका है। अब ऐसे ही घूम के हम लोग निकल जाते हैं इधर से, तो इधर से है रास्ता तो हम लोग इधर से निकल जाते हैं। आए तो काम भी हो गया और एक दो भिंडी भी टूट गया, भिंडी मिल गया तो तोड़ लिए। तो दीदी भी लगा क्या रही है। तो हम लोग काज का काम जो भी था थोड़ा सा हम लोग काम कर लिए हैं। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आए होंगे, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।